अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फरहीन चौधरी मिनर्वा के साथ। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो एक पार्लियामेंटेरियन हैं और उसके साथ अदबी ज़ौक़ व शौक़ भी रखती हैं। उनसे बात होगी बाइबल के हवाले से और उसके अलावा उनकी आने वाली दो किताबों के हवाले से। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं रोमिना खुर्शीद MNA से। बहुत शुक्रिया रोमिना खुर्शीद साहिबा, आपने अपना टाइम दिया। एंड आई नो कि पार्लियामेंटेरियन कितने बिजी होते हैं, तो लेकिन ये कि बीइंग अ वुमन पार्लियामेंटेरियन और फिर माइनॉरिटी की, मुझे बड़ा क्रेज़ था कि आपसे हम बात करें, क्योंकि डेफिनेटली यू मस्ट बी प्लेइंग अ वाइटल रोल इन दिस कैपेसिटी। तो जो मेन आज मेरे मकसद था कि हमारी जो किताबें हैं, हम दुनिया जहाँ की किताबें पढ़ते हैं डिफरेंट फील्ड्स की, लेकिन जो हमारी आसमानी किताबें हैं जिनमें बाइबल भी शामिल है, तो इन किताबों का जो मैसेज है वो बहुत सारे जो दिमाग हैं वो तो समझते हैं कि दीज आर ऑल पॉजिटिव मैसेजेस, लेकिन मोस्टली उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग एंटर कर देते हैं और फसाद और ये वो। तो आप क्या समझती हैं कि बाइबल की जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो क्या क्या हैं? पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फरहीन साहब अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए और इस खूबसूरत तरीन मौजू पे बात करने के लिए, गो कि मैं तो ये हैसियत नहीं रखती, मैं तो शायद रेत के ज़रे के मानत भी नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जो किताबें हैं, जो रूहानी किताबें हैं और आसमानी किताबें हैं, उनके ऊपर बात कर सकूँ। लेकिन हाँ, बीइंग फ्रॉम द फेथ मैं और ये सियासत से हट के मैं इसके ऊपर यकीनन बात करूँगी। तमाम तर चीज़ें जो इस दुनिया में बनी हैं उस खालिक हकीकी ने जो बनाई हैं, मेरे ख्याल में उन सब में मोहब्बत का एलिमेंट है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो चींटी है, कोई भी है, हर एक कोई ना कोई सबक एक दूसरे को देखता है। कहीं कोई परिंदा है जो न जाने एक सेकंड में, एक मिनट में कितने रंग बदलता है और वो आँखों को जो है वो ठंडक देता है। अब घास पर आप चलते हैं, वो आप अगर उसके ऊपर चलते हैं सुबह सुबह तो आपके जिस्म को उतरावट देती है। इसी तरह किताबें जो हैं, मैं समझती हूँ वो खुदा ने एक ऐसी हमें गाइडेंस दी है कि उनके उनको पढ़ के, सिर्फ पढ़ने की हद तक या हिफ्ज़ करने की हद तक नहीं, अगर हम उनको सिर्फ पढ़ें और समझ कर और दिल से पढ़ें तो आपकी रूह, आपका वजूद जो है वो सारा का सारा मोहब्बत में शराबूर हो जाता है। और बिल्कुल दूसरा ये कि उसमें एक मैसेज है कि हाउ टू लिव। बेसिकली तो हर किताब जो आसमानी सहीफे हैं वो मोहब्बत का दर्स देते हैं, इंसानियत का दर्स देते हैं। तो इस तरह अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल में दो अहदनामे हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। जो पुराना अहदनामा है वो मूसवी शरीयत के ऊपर मरकूम है सारा, और जो नया अहदनामा है वो खुदांद यीशु मसीह के पैदाइश के बाद की तमाम जो है उसके ऊपर है। और उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का दर्स है, बर्दाश्त का दर्स है। और मुझे मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नौजवान नस्ल भी, अगर पुराने अहदनामे में मिसाल और वाज की किताबें, ये दोनों किताबें मेरी बहुत फेवरेट इस तरह से हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे दादा बू कहा करते थे कि कोई भी बच्चा जो है उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़े। और मिसाल जो है वो हज़रत सुलेमान नबी जो है उन्होंने लिखी हुई है, और वाज भी उन्हीं की किताब है। और उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ही ऐसी चीज़ें कि आपकी ज़िंदगी के हर एक प्रैक्टिकलिटी में वो काम आती हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो अदम बर्दाश्त है अमंग इंटरफेथ हारमनी के बजाय, हालांकि पाकिस्तान में तो खैर बहुत बेहतर है माहौल, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो एक लोगों में टॉलरेंस जो है रिलीजियस वो बहुत कम होती जा रही है, तो उसकी क्या वजह है कि लोग जो किताबें हैं आसमानी, स्पेशली बाइबल की हम चूँकि बात कर रहे हैं, कुरान है, ज़बूर है, इनके मैसेज को पढ़ते नहीं, दिल से नहीं पढ़ते, या बिल्कुल दे हैव लेफ्ट अबैंडन्ड दीज बुक्स? फरहीन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और सुनने वालों को भी अगर किसी को बुरा लगे, किताब तो किसी में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसमें तो लिखा है दुश्मन को भी माफ़ कर दो। बिल्कुल, क्या आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि बुरा भी करे तो उसको माफ़ कर दो। इखलाक का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया। इसी तरह बाइबल में भी जगह जगह और यही कहा गया है कि बर्दाश्त करें और मोहब्बत करें और माफ़ करें, और माफ़ कर देने वाले का दर्जा बुलंद है। हाँ, ये है कि गलत चीज़ को आप गलत ज़रूर कहें, लेकिन कोशिश करें कि वो जो गलत है उसको आप अपने अमल के साथ
साथ अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए ठीक करें। जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, मैं तो समझती हूँ उनका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है, और नादान है वो लोग जो उनके पीछे लग के तो अपने अपने मजाहिब जो है उनको तबाह कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, जो अदम एतमाद या अदम बर्दाश्त है उसका ताल्लुक तो किसी किताब में नहीं है। बर्दाश्त तो आप देखें कि चाहे फ़र्क ज़्यादा नहीं है, अगर देखा जाए उसी तरह पांच वक्त की नमाज़ अगर एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है तो जो 24 घंटे हैं उनके अंदर ढाई घंटे और कुछ मिनट हमारे पर भी फ़र्ज़ हैं कि हमने दुआ करनी, और अगर आप उसको डिवाइड कर लें तो पांच वक्त की ही नमाज है। और उसके बाद ज़रूरी नहीं कि इबादत के अलावा जो पूरी आपकी डे टू डे लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, बिल्कुल दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो आपकी जो आपका रहन सहन, चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना, वो तमाम तर चीज़ें जो उनसी हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपकी तरबियत क्या है और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और मेरे ख्याल में यही आपकी खूबसूरत पहचान होती है। लेकिन सिर्फ वही बात आ जाती है कि किताब को सिर्फ किताब समझ के पढ़ लेना और उसका एहतराम हर किताब का, बल्कि मैं तो कहती हूँ कोई भी किताब हो चाहे वो जिससे आप सीखते हैं उसका एहतराम हम पर वाजिब है, लेकिन आसमानी किताबों को सिर्फ गिलाफ में लपेट के बुलंद जगह पर रख देना उसका एहतराम, फॉलो करें उसके मैसेज को, उसमें दिल में बसाना और उसके मुताबिक चलना जो है वो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा, एज पार्लियामेंटेरियन ज़ाहिर अब आप एक जिम्मेदारी है तमाम अवाम की, पाकिस्तान की, स्पेशली अपनी कम्युनिटी की, उसमें एक जिम्मेदारी जहाँ आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए बेटरमेंट का है, वहाँ ये भी मेरा ख्याल है आप सोचती होंगी कि इंटरफेथ हार्मनी के लिए आप क्या कर सकती हैं, क्या आपने कोई इस पर प्रोजेक्ट्स किए या करने का कुछ प्लान्स हैं? पहले तो फरहीन, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इस लफ्ज़ के ऊपर, इंटर फेथ और हारमनी, क्योंकि इंटर हो, फेथ हो, हारमनी हो, ये लफ्ज़ पता नहीं क्यों, ये मेरी अपना ख्याल है और अपनी सोच है, मुझे इन तीनों लफ्ज़ों से बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि हर वो शख्स जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है उसके अंदर ये फेथ है कि कोई है, वो किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकता। और रही हारमनी, अगर आप अपनी किताबों को ठीक तरह से चलते हैं और उस पर अमल करते हैं तो फिर आपको हारमनी की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर खुद ही आप चलते फिरते हारमनी होते हैं। लेकिन चलें, दुनिया है, कुछ वो क्या कहते हैं, रस्म मोहब्बत भी है तो हमें करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल, जहाँ तक आपने कहा कि बींग अ पार्लियामेंटेरियन, तो जो सियासी हैसियत या कैपेसिटी में, पहले तो मैं खुदा की ज़ात की बहुत एहसान मंद हूँ क्योंकि मैंने, दिस इज़ माई सेकेंड टर्म, मैंने हमेशा, मेरी जो तरबियत हुई और बहसियत जब से मैंने पाकिस्तान में आँख खोली और ज़िंदगी के सफ़र चलते रहे, खुदा का बड़ा एहसान है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा और ना मेरी तरबियत में शामिल है कि मैं किसी मैं गैर मुस्लिम हूँ और पाकिस्तान में रहती हूँ या मेरी ये शनाख्त है, मेरी शनाख्त पाकिस्तान है। बिल्कुल। और मुझे फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि मैं दोनों दफ़ा माइनॉरिटी की सीट पर नहीं आई। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मिनॉरिटी की सीट पे आए हैं वो ना कहीं ऑफेंड हो जाए, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन ये मेरी एक फीलिंग है और मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि दिस इज द वे टू मेन स्ट्रीम द पीपल रादर देन टू पुट देम इन द डिफरेंट कैटेगरी टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिप्रेजेंटिंग ऑल पाकिस्तान। दैट्स ग्रेट। बट इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, अगर आप बात करते हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मैं मिनॉरिटी भी नहीं कहती क्योंकि मिनॉरिटी मेरे नज़दीक एक सोच है, गैर मुस्लिम के लिए अगर आप बात करते हैं तो येस, आई हैव डन डिफरेंट, नॉट ओनली द प्रोजेक्ट्स व्हाट एवर आई कैन डू इन माय कैपेसिटी, आई एम द फर्स्ट एवर वन जिसने रिलीजियस रिहैबिलिटेशन के ऊपर बात की कि हमें साइलम सीकर प्लीज नहीं बनना। दुनिया में ये पहचान कि पाकिस्तानी गैर मुस्लिम जो है वो साइलम सीकर है, मेरे लिए ये गाली है। बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स हैं जिन पे मैंने काम किया, और हमारे बहुत अच्छे एक पुलिस ऑफिसर, दैट टाइम ही वाज़ द सीपीओ एट गुजरांवाला, उन्होंने उसमें मुझे बहुत हेल्प आउट किया, और कुछ फैमिलीज़ जो हैं हमने उनको दोबारा से रीसेटल्ड किया और उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया। तो तमाम तर चीज़ें सेटल हो सकती हैं और उस पर हमने काम किया। उसके बाद मैंने लेजिस्लेशन भी की, दो सब्जेक्ट्स, एक जो था उसके ऊपर था दैट वी शुड हैव टू हैव अ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एजुकेशन, एंड देन वी शुड हैव टू हैव अ कमीशन, जो के हुआ। लेकिन बहरहाल उसके बाद इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर मैं आई वेंट टू ईयू पार्लियामेंट
on my own, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मुझे किसी NGO या किसी उसका सहारा लेने की ज़रूरत नहीं. I went over there, I met Miss Madam Jean Lambert, and I tried to meet mostly those extremists जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 295 के ऊपर resolutions move करते थे. उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर अब वो resolutions move नहीं होती तो वो credit मुझे जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जाता है, because I think whatever I have done, maybe it's a needle in a haycock, but still needle matters a lot. Great. नाजरीन, रुमीना खुर्शीद से हमारी गुफ्तगु जारी है और आपने उनकी बड़ी ही मैं क्या उसे पुरमग़्ज़ जो एक लफ्ज़ यूज़ होता है या वेरी बड़े खूबसूरत तरीके से वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता रही हैं. चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर वापस आते हैं और कुछ और उनसे बातें करते हैं. जी रुमीना जी, बात हो रही थी बाइबल की और मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि आप अनलाइक अदर, जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं दे आर लीस्ट पुश्ड अबाउट बुक्स एंड ऑल दैट, आप एक बुक भी लिख रही हैं कश्मीर के हवाले से. आप बड़ी सेंसिटिव हैं, इस पे आपने बहुत काम किया है, एंड दिस इज़ द ट्रू स्पिरिट. आई थिंक एक पॉलिटिशियन को यही होना चाहिए कि उसको आम लोगों की ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए. तो आपकी जो बुक है जो पोइट्री पे आ रही है उसकी क्या थीम क्या है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत भरे अल्फाज का, क्योंकि एक अहले अदब की तरफ से आने वाली, और फिर माशाल्लाह आपका तो एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा है, मैं तो भी अदना सा छोटा सा स्टूडेंट हूँ इसका. जो पोइट्री है वो इलामा इकबाल की पोइट्री है और ये बुक कंप्लीट हो चुकी है और मुसवदे के लिए IR में, जो आपको पता है हमारा एक IRI का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर सर ज़िया हैं उनके पास मुसवदे के लिए गई हुई है. और ये इलामा इकबाल की जो पोइट्री है उसको मैंने सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. उसकी वजह ये है कि हमारे जो आज के बच्चे हैं, जब मैंने कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट में आने के बाद काम करना शुरू किया, तो दे डोंट नो मच अबाउट इकबाल्स पोइट्री, व्हिच इज़ दिस इज़ वेरी ट्रेजिक. या सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन दैट. और चूँकि मेरे ख्याल में उसको आप पढ़ें समझें तो बहुत कुछ वैसे ही यहाँ हो जाता है. कश्मीर के लिए मैं उसको डेडिकेट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में बीइंग पाकिस्तानी, कश्मीर के बगैर हम अधूरे हैं. अधूरे इसलिए नहीं कि वो जगह हमें मिल जाए, मैं किसी और अंदाज से देखती हूँ कि आपसे कोई इतना प्यार करे कि अपनी जान आपके लिए दे दे कि वो आपके घर का हिस्सा बनना चाहे. 70 ईयर्स से वो लोग कुर्बानियां, और उसके बाद वो जब शहीद भी हो तो वो कहे कि मुझे दफनाओ भी, मेरा जिस्म भी जो है वो पाकिस्तान के कौमी परचम में. बहुत बड़ी बात. तो मेरे ख्याल में उनके लिए जो कुछ भी किया जाए कम है. सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उस पर कुछ कर सकूं. हाँ, वैसे मैं सादी पोइट्री कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपने जज्बात, कभी कभी क्योंकि इंसान है पॉलिटिशियन होने के साथ साथ, वैसे तो लोगों को नहीं लगता. अच्छा, अमूमन वही जो मैंने पहले कहा ना कि एक इम्प्रेशन है कि पॉलिटिशियंस के अंदर दिल नहीं होता, लेकिन की जो बातें सुन के और जैसे कश्मीर के जिक्र पे आपकी आंखें नम में होती देख रही हूँ, तो दैट शोज अ वेरी सेंसिटिव हार्ट समवेयर. और बाज़ुकत फिर मैं जेंडर बाइस्ड हो जाती हूँ कि दिस क्रेडिट गोज टू वीमेन ओनली, कि जो औरतें होती हैं वो जहाँ भी हैं, ये और बात है कि हम लोग उनको मानते नहीं हैं, बट वेयर एवर दे आर. बिल्कुल आप शायद सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैंने पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स को भी देखा जिन्होंने कश्मीर के लिए बहुत काम किया, और उनके आगे तो शायद मेरी ये कोशिश छोटी सी है. हिज नेम इज मिस्टर नफीस जकरिया, जो कि एक्स स्पोक्स पर्सन रहे हैं पाकिस्तान के, अब वो मलेशिया में. वो जहाँ कहीं पर भी अपॉइंट हुए हैं उन्होंने कोशिश की है कि वो कश्मीर की वॉइस को जो है वो रेज करें, और किया भी और कर भी रहे हैं. तो अलॉन्ग विद हिम आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हम जो भी कर सकें वो ज़रूर करें, क्योंकि ये जंग जो है ये ज़मीन की या हकायक की नहीं, ये इंसानी हकूक की जंग है. अच्छा ये बताइए, सॉरी बात काट रही हूँ आपकी कि फिर मैं भूल ना जाऊँ, कि आपकी जो एक अपनी किताब भी आ रही है नसरी नज़मों की, उनकी थीम क्या है? ये एहसास
और मोहब्बत, जाहिर है उसके बगैर तो पोएट्री हो नहीं सकती। जख्म किसने लगाए? नहीं, जख्म देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि जख्म इश्क में ही मिले। दुनिया में हर वो क्या कहते हैं कि वो जैसे एक शायर क्या खूब किसी ने कहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, इश्क जो है वो बड़ा ग्लोबल इश्क भी हो सकता है ना। इश्क जो है मेरे नजदीक, मुझे एक सवाल किसी ने किया कि तुम्हारे नजदीक मोहब्बत क्या है, तो मेरे नजदीक, मेरे सवाल के जवाब पे वो भी हंसे, शायद आप भी हंस पड़े। मेरे नज़दीक मोहब्बत ये नहीं है कि वो मिल जाए जिसे आपको इश्क हो या मोहब्बत। मेरे नज़दीक वो जुस्तजू जो है वो लगन रहनी चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव कि मोहब्बत अगर आपको किसी से है तो उसके चेहरे पर अगर मेरी वजह से, मेरे किसी अमल की वजह से अगर मुस्कुराहट आए तो दिस इज लव। बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रही हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सुनती रहूं आपकी। आपके साथ एक अलग सेशन करना पड़ेगा हमें, एज राइटर, एज वो, एज अ वुमन, एज अ सेंसिटिव वुमन। शम्स तबरेज़ की आप बहुत ज़्यादा फैन हैं और सूफीज़म मेरा भी, इट्स इन टू मी, सूफीज़म इज़ इन माई ब्लड। और बहुत ज़्यादा मतलब ये कि अल्लाह मियां ने मौका दिया, बुलावे जगह जगह से आए। तो शम्स तबरेज़, अब जो हम जब इंटरफेथ हारमोनी, जो कि लफ्ज़ नहीं अच्छा बट उसकी एक स्पिरिट की बात करती हूँ, तो वहाँ पे सूफीज़म ने साउथ एशिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमारे सूफिया का जो कलाम है, बाबा बुल्ले शाह को देख लें, अमीर खुसरो को देख लें, निज़ामुद्दीन औलिया को देख लें, वो सारा सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की मोहब्बत से भरा हुआ है। उसमें कहीं डिस्टिंक्शन नहीं है, सिख, ईसाई, मुस्लिम, नथिंग, जस्ट ह्यूमन बीइंग। तो ये सूफीज़म की तरफ भी आपका थोड़ा सा मुझे झुकाव फील होता है शम्स तबरेज़ के हवाले से? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं कि मुझे इश्क है शम्स तबरेज़ी की। उस तमाम शहर में आई एम ऑलवेज देयर, बिकॉज आई बिलीव के लोग रूमी से प्यार करते हैं, मैं इज़्ज़त भी करती हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक रूमी जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो सकते अगर शम्स ना होता। नहीं तो अगर रूमी की अगर आप कलाम पढ़ें तो उन्होंने शम्स तबरेज़ को जगह जगह अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने कहा है कि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो शम्स तबरेज़ था, उसका इश्क, उसकी लगन। देखिए, मुझे अक्सर ये बात होती है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेशक रूमी जो है वो एक और जहद पूरी बने और कहाँ से कहाँ गए, लेकिन देखा जाए तो बेशक वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत लोग उनके वो करते हैं, लेकिन शम्स जो है मैं समझती हूँ कि उन्होंने आकर, क्योंकि जैसे हीरा है, बिल्कुल हीरा एक पत्थर है, लेकिन हाँ। उसके अंदर जितने कट्स आते जाते हैं वो एक्सपेंसिव जौहरी, होता है। जौहरी करता है। तो मेरे ख्याल में शम्स के आने के बाद रूमी में जितने कट्स आए और वो उतना ही अनमोल बना, वो सारा किरदार शम्स का है। तो आई एम ग्रेट फैन ऑफ शम्स। चलिए हम चलते हैं अब एक ब्रेक की तरफ, और रोमिना का जो एक ये बहुत ही खूबसूरत आस्पेक्ट उनकी पर्सनालिटी का, जिस पे वाकई में सोचती हूँ कि घंटों बात हो सकती है, लेकिन हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं। अच्छा रोमिना जी, ये बताएं कि बीइंग अ सेंसिटिव पॉलिटिशियन, औरत मैं नहीं कहूँगी क्योंकि औरत के कार्ड को यूज़ करना हम लोग बुरा समझते हैं, बट स्टिल द सोसाइटी इज़ मेल शोमनिस्ट, तो फिर एक तो सासदान होना, ऊपर से एक सेंसिटिव पोइटिस भी होना, तो आपके मसाइल डबल नहीं हो जाते? देखिए, मसाइल आप सेंसिटिव हो या ना हो, मसाइल तो सबको चलते हैं। हाँ, हम लोग ज़रा हसास होते हैं मेरे ख्याल में, जैसे लोग तो वो ज़रा महसूस ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ मेल हो या फीमेल हो, मसाइल आपको दोनों से ही रहते हैं, बल्कि शायद आपको इन सम केसेस आपको अपनी ही जिन्स के लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। लेकिन खुदा का बड़ा एहसान रहा मुझ पर कि थ्रू आउट मुश्किलें अगर आई भी तो इतनी आई कि खुद ही आसान हो गई, या मैंने कभी मुश्किल को नेगेटिव वे में लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे अगर कभी किसी ने तंग किया या परेशान करने की कोशिश की तो आई ऑलवेज टुक इट इनटू अ पॉजिटिव वे कि शायद ये रास्ता जो है, मैं अपना इरादा नहीं बदलती,
मैं रास्ता तब्दील कर लेती हूँ, क्योंकि पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है। बहुत खूबसूरत बातें करती हैं आप और वाकई एक राइटर, पता चलता है कि एक राइटर बात कर रहे हैं। तो वो खैर समझते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी, तभी आज माशाल्लाह आज MNA हैं, पहले भी थी। रीज़न ये होती है कि डिटर्मिनेशन रखी जाए तो उसका रिजल्ट होता है। अब ये बताएं कि जो आपने इतनी अचीवमेंट्स की, ये मैं देख रही हूँ आपके बहुत सारे काम हैं, सिर्फ एक नहीं है, आप बहुत सारी हैसियतों में चल रही हैं, तो फैमिली नहीं डिस्टर्ब होती आपकी? आप सही कह रही हैं कि फैमिली डिस्टर्ब होती है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं जी आई मैनेज सो मैनी थिंग्स, नहीं फैमिली डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये भी शायद खुदा की ज़ात का एक एहसान रहा कि मेरे आई हैव थ्री किड्स, तीन बच्चे हैं मेरे, तीनों बच्चों में 6-6 साल का फ़र्क है। अच्छा। और इसलिए वो अब इस स्टेज पे हैं कि वो तीनों एक दूसरे को लुक आफ्टर कर लेते हैं। मेरी बड़ी बेटी इज़ अ वेरी सपोर्टिव डॉटर, दूसरी बेटी जो उनसी है वो भी, मतलब मेरे बच्चों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, और वो खुश भी होते हैं, कभी कभी दुखी भी होते हैं, और खैर मैं सभी बच्चे होते हैं, लेकिन फिर जब आपको कुछ पाना है तो फिर कुछ खोना भी है, लेकिन ये है कि जो उनके भी आपके कोऑपरेट करते हैं। और दूसरा ये था कि जो बहुत अर्ली टाइम था जिसपे बहुत ज़्यादा, वैसे तो माँ की हर वक्त ज़रूरत होती है, उस पर आई हैव ट्राइड टू गिव देम एज मच एज टाइम। और अभी चूँकि मेरा एक दिमागी केमिकल प्रॉब्लम भी है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कह लें उसको, ये है कि मैं जो काम कर रही होती हूँ, मुझे होता है कि मैं उसको, बिकॉज आई फरहीन डोंट वॉन्ट टू गो बैक इन द एंड। वैसे तो आप जब MNA बनते हैं तो तारीख का हिस्सा तो आप बन ही जाते हैं, लेकिन मैं वो सिर्फ एक काला नुक्ता बन के जाना नहीं चाहती। यू वॉन्ट कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि डिस्टिंक्शन एक अलग से नजर आऊँ, तो दिस इज़ ग्रेट। और मेरा ख्याल है तमाम सेंसिटिव, मैं भी हमेशा राइटर्स का की साइड लेती होती हूँ, लोग कहते हैं तुम बायस्ड होती हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो थिंकर्स होते हैं, दे मेक डिफरेंस। अगर अपने वो जैसा आप कह रही हैं कि आप बड़ी ऑनेस्ट और डिवोटेड हैं टुवर्ड्स योर कॉज। ऑनेस्ट तो मैं नहीं होंगी, तो अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, देखिए जो लोग डिवोटेड होते हैं वो डेफिनेटली ऑनेस्ट भी होते हैं, ऑनेस्ट टू देयर कॉज। थैंक यू रोमिना खुर्शीद आपके टाइम का, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू का, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस वुड इंजॉय इट। थैंक्स अ लॉट, माय प्लेजर। ऑडियंस, नाज़रीन, आपने रोमिना खुर्शीद MNA की बातें सुनी, और आज मैंने उनके अंदर एक पॉलिटिशियन नहीं, एक पार्लियामेंटेरियन नहीं, एक बहुत खूबसूरत राइटर को डिस्कवर किया। आई एम श्योर को आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिएगा नेक्स्ट टाइम मिनर्वा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन, गुड बाय।